प्राइम इनिशिएटिव देख रहे हो तुसी ते मैं हां तुहाडे नाल कुलदीप कौर। इस वक्त दी वड्डी खबर लॉरेंस बिश्नोई दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पटीशन पा दित्ती है। लॉरेंस बिश्नोई नूं डर सता रहा है एनकाउंटर दा, जिस करके उसने पटीशन पाई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच। दिल्ली दी तिहाड़ जेल दे विच उस तो पुछगिछ कीती जाए, ये कहा है पटीशन दे विच लॉरेंस बिश्नोई ने। तुहाडा सी कि पंजाब लियाउण दी तैयारी हो रही है बिश्नोई नूं, पर उस तो पहला ही लॉरेंस बिश्नोई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया ते पटीशन दायर कीती है ते कहा कि दिल्ली दी तिहाड़ जेल दे विच ही मेरे कोलों पुछगिछ कीती जाए, मैं उत्थों भी तुहाडे सारे सवालों का जवाब है जिहड़ा दे सकदा हां। ता बिश्नोई नूं पंजाब आउण तों उह डर रहा, उसनूं दस आ रहा कि किते पंजाब पुलिस उसदा एनकाउंटर ही ना कर देवे। उसने कहा है कि दिल्ली दी तिहाड़ जेल दे विच उस तों पुछगिछ है जिहड़ी उह कीती जाणी चाहीदी है, पंजाब लियांदे बिना भी उह जांच दे विच शामिल हो सकदा, सवालां दे जवाब है जिहड़े दे सकदा। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पटीशन पाई है। इस वक्त दी अहम ते वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां, सिद्धू मूसेवाला दे कतल मामले दे नाल जुड़ी हुई इह अहम खबर है। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दा नाम आउण तों बाद हुण लॉरेंस बिश्नोई नूं अपनी जान दा जिहड़ा खतरा है उस सता रहा है कि किते उसनूं पंजाब पुलिस मार ही ना देवे, उसका एनकाउंटर ही ना कर देवे जेकर पंजाब पुलिस उसनूं पुलिस रिमांड दे उत्ते पंजाब लैके जांदी है। इस वक्त तो आंदा सी कि लॉरेंस बिश्नोई है जिहड़ा दिल्ली दी स्पैशल सैल दी रिमांड दे विच है, पांच दिनां दा दिल्ली दी स्पैशल सैल ने रिमांड लिया होया, उस तों पुछगिछ है जिहड़ी कीती जा रही है सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच। ते हुण मानसा दे SSP ने कहा है गौरव तुरा ने कि बहुत जल्द उस नूं पंजाब दे विच भी लिआंदा जाएगा, पंजाब लिआ के भी उस तों जिहड़ी पुछगिछ है इस मामले दे विच उह कीती जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट तो पटीशन वापस ली है, पहला कल दिल्ली हाई कोर्ट दे विच लॉरेंस बिश्नोई दे वल्लों पटीशन है जिहड़ी दायर कीती गई सी, पर वो जिहड़ी पटीशन है जिहड़ी कल छपाई गई सी वापस लै ली गई है। हुण लॉरेंस बिश्नोई ने अज पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर कीती है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पटीशन दे विच हाई कोर्ट तो मंग कीती है कि इस मामले दे विच जो भी सवाल करन दी लोड है, जो भी सवाल मेरे कोलों करने ने, वो दिल्ली दी तिहाड़ जेल दे विच ही कीते जाण ते उसनूं इस मामले दे विच पुछगिछ दे लई पंजाब ना लियांदा जावे, क्योंकि जेकर उसनूं पंजाब लियांदा गया तां उसदी जान नूं खतरा हो सकदा, तां जान नूं खतरा दस्सिया उसने पटीशन दे विच। ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕੀ ਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ DGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਕੋਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਬੜਤੋੜ
गोलियां मार के सिद्धू मूसेवाला का कतल किया गया। 7 गोलियां उन्होंने शरीर के बचिया, घर तो महज 4 किलोमीटर की दूरी से ही सिद्धू मूसेवाला मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि वह अपनी थार दे विच गए सीगे, हालांकि उन्होंने कोल गड्डी भी सीगी बुलेट प्रूफ, पर वह उसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उस दिन वह अपनी थार दे विच अपने दो दोस्तों के नाल घरों निकले सी, ते उन्होंने पिता ने भी यह गल कही है कि जदों तो ही सिक्योरिटी जी वापस हुई सी सिद्धू मूसेवाला की, उस तो बाद तो ही उन्होंने लग रहा है कि कोई उन्होंने पिछा कर रहा है, उन्होंने उत्ते नज़र रख रहा है। तो जो सिद्धू मूसेवाला थार लैके घरों निकले तो उन्होंने पिता भी बुलेट प्रूफ गड्डी लैके उन्होंने पिछे गए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी अखा के सामने ही मेरे पुत का जोड़ा कतल आओ कर दिता गया। तो सिद्धू मूसेवाला के 7 गोलियां ने जुड़िया शरीर के लगिया, एक गोली सीने के लगी, जिस करके उन्होंने मौत हुई है। तो हूँ लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेवारी ली है इस कतल की। तो हूँ पंजाब पुलिस है जी वह लॉरेंस बिश्नोई तो पूछगिछ जी करना चाहती है, और इस दे लई पंजाब पुलिस के वलों लॉरेंस बिश्नोई का जोड़ा पुलिस रिमांड है वह लिया जाना। पर उस तो पहला ही लॉरेंस बिश्नोई डर सता रहा है कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर ही ना कर दे, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई है जोड़ा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया। अज वकील ने उन्होंने ने पटीशन है जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पाई है कि लॉरेंस बिश्नोई तो तिहाड़ जेल के ही पूछगिछ जी की जानी चाहिए है। तिहाड़ जेल के बैठ के भी वह पंजाब पुलिस के हरेक सवाल का जवाब दे सकता है। वधेरे खबरों लिए देखते रहो प्राइम मिनिस्टर टीवी, अपना।